अब हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, ठीक है। इसको देख लें आप। सबसे पहले मैंने लिखा एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एसेट्स is equal to liabilities plus owner equity. Assets मैंने आपको बताया था कि वो चीजें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? Assets, ठीक है? या जिनका पीरियड ऑफ बेनिफिट कम से कम 1 year का होना चाहिए, तो उनको आप क्या कंसिडर करेंगे? Assets कंसिडर करेंगे। अच्छा, liabilities क्या है? Liabilities मैंने आपको बताया था debts of the business, जो आपने पे करनी होती है आउटसाइडर्स को, ठीक है। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल कौन लेके आता है? बिजनेस का ओनर लेके आता है, ठीक है। तो वो बिजनेस की बुक्स में बिजनेस की क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि उसने ओनर को पे करनी होती है, ठीक है। कैपिटल जो होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। किसको पे करनी होती है? ओनर को, ठीक है। अब इक्विटीज दो टाइप्स की हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। लायबिलिटीज क्या होंगी? जो आपने आउटसाइडर्स को पे करना है। समटाइम्स ऐसा होगा कि ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो वो खुद भी इन्वेस्ट करेगा, साथ लोन भी लेगा, ठीक है। तो जो खुद लेके आएगा वो क्या कहलाएगी? ओनर इक्विटी, ठीक है। और जो आउटसाइडर से लोन लेगा वो क्या कहलाएगी? लायबिलिटी है। ये दोनों ही लायबिलिटी, ठीक है, लेकिन आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और सेपरेटली आप ऐसे लिखेंगे। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओनर इक्विटी को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। उसके बाद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रिसोर्सेज। एसेट्स क्या होते हैं? हमारे बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, एसेट्स को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। और ये सोर्सेज क्यों बोल रहा है इसको? क्योंकि जो पार्टी इन्वेस्ट करती है, या ओनर इन्वेस्ट करेगा या आप आउटसाइडर से लोन लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। बिजनेस का ओनर क्या है? सोर्स है। उसके बाद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू क्लेम अगेंस्ट एसेट्स, ठीक है। एसेट जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? क्लेम अगेंस्ट एसेट्स, ठीक है। एसेट्स पे किनका क्लेम होता है? ओनर का या आउटसाइडर्स का? जो ओनर आउटसाइडर्स का क्लेम होता है वो लायबिलिटीज कहलाती है, ठीक है, और जो ओनर का क्लेम होता है वो क्या कहलाती है? कैपिटल। अच्छा, इनका टोटल हमेशा सेम होगा। आप आगे जाके जब चैप्टर करेंगे फाइनल अकाउंट, तो उसमें बैलेंस शीट इसी तरह बनती है। एक साइड एसेट की होती है जिसमें आप एसेट्स को लिखते हैं, और फिर लायबिलिटी साइड होती है जिसमें आप कैपिटल को भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी शो करती है।